हे गॉर्ज वेलकम बैक टू योर चैनल तो आज मैं यहाँ पर एक सेमी स्टिच ड्रेस के ऊपर पेंट करने वाली हूँ तो इस तरीके की कार्डबोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं ड्रेस के अंदर अगर आपकी ड्रेस बहुत ज़्यादा पतली है तो फ्रेम का यूज़ ज़रूर करें कलर के लिए ही यहाँ पर मैं फेविक्रिल के कलर यूज़ कर रही हूँ आप कोई भी ब्रांड का कलर यूज़ कर सकते हैं बट डेट जरूर चेक कर लीजिए तो यहाँ पर मैं वाइट कलर और टील ब्लू कलर से पेंट करने वाली हूँ तो यहाँ पर ब्राउन ब्रश यूज़ कर रही हूँ पहले और राउंड ब्रश ही मैं यूज़ करने वाली हूँ तो यहाँ पर आप छः नंबर या दो नंबर ब्रश से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं तो टील ब्लू कलर से इस तरीके करने के बाद आपको ऊपर से थोड़ी सी व्हाइट कलर लेके आपको इस तरीके से कलर मिक्स करना है और अगर आप ये कहा आई मीन टील ब्लू और वाइट नहीं पसंद है और नहीं तो फिर आप वाइट के साथ आप पिंक भी यूज़ कर सकते वाइट के साथ येलो या फिर मॉव या फिर ब्लैक के साथ आप पिंक भी यूज़ कर सकते हैं या फिर येलो भी यूज़ कर सकते हैं वो भी अच्छा लगेगा तो ये देखिए बहुत आसान सा एक डिज़ाइन है आप चाहे तो पहले पेंसिल से पूरा आउटलाइन करके उसके ऊपर कलर कर सकते हैं तो इसके ऊपर से बस थोड़ी सी वाइट कलर आपको इस तरीके से ब्लेंड करना है ये यह, यहाँ पर मैं जीरो नंबर राउंड ब्रश से टील ब्लू कलर को लेके कर कर रही हूँ थोड़ी सी अच्छी फिनिशिंग के लिए आप चाहे तो सारे फ्लावर इस तरीके से बना सकते हैं या फिर थोड़ी बड़ी टाइप की बना सकते हैं कोई छोटी बनाइए कोई बड़ी बनाइए इस तरीके से बनाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं पहले आ, वाइट कलर मिक्स नहीं कर रही हूँ आप भी इस तरीके से कर सकते पहले पूरा एक कलर से कम्पलीट होने के बाद आई मीन पूरा ड्राई होने के तुरंत ही आई I मीन mean, ड्राई नहीं होना चाहिए उसके ऊपर ही तुरंत ही आपको इस तरीके से वाइट कलर से ब्लेंड करना है इस तरीके से भी आप कर सकते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी काम क्योंकि ये ड्रेस तो लॉन्ग टाइप की है आई I मीन mean पूरे एकदम आ, बहुत लॉन्ग नहीं है बट लॉन्ग है तो इसके ऊपर और नीचे जो बॉटम है तो उसकी घेरा भी बहुत है तो इसीलिए बहुत सारे मुझे फ्लावर बनानी पड़ी तो आ, मैं जो बॉटम की पार्ट है उसके ऊपर थोड़ी सी बड़ी टाइप की फ़्लावर बना बनाऊँगी आप चाहे तो सारे सेम बना सकते या फिर ये जो है ना इस तरीके से छोटी भी बना सकते हैं तो ये देखिए कलर ब्लेंड करने के बाद कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब मैं थोड़ी बड़ी टाइप की फ्लावर बना के आपको दिखा रही हूँ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं बट सारे फ्लावर में मैं वाइट कलर मिक्स कर रही हूँ और ये कलर कंप्लीट होने के बाद आप इसको वॉश भी कर सकते हैं और जैसे कि ये कलर पूरा आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप ड्रेस को 24 फोर आवर्स के लिए इसको ऐसे रख दीजिए कुछ मत करें उसके बाद आप इसको बैक साइड पे एक बार प्रेस कर लेना आई I मीन mean 24 फोर आवर्स के बाद तो यहाँ पर देखिए स्लिप के ऊपर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि ये स्लिप थोड़ी सी लॉन्ग है तो इसी सेमी फ्लावर बनाऊँगी बस दो ही फ्लावर मैं बनाने वाली हूँ आप चाहे तो इससे भी और ज़्यादा बना सकते हैं सेम तरीके से ही मैं कर रही हूँ यहाँ देख सकते हैं मैंने बस दो ही किया है तो ये सारी फ्लावर तो कंप्लीट हो चुकी है अब यहाँ चलते हैं ब्रांचेस की ओर और, और थोड़ी थोड़ी लीव्स बनाऊंगी बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी और कलर के लिए यहाँ पर मैं टाकवाइज़ ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास ये कलर नहीं है तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्लैक यूज़ कर सकते हैं ब्राउन यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपकी ड्रेस डार्क कलर की है तो आप वाइट कलर से भी कर सकते वो भी बहुत अच्छा लगेगा या फिर आप लेमन येलो का भी यूज़ कर सकते हैं और ये कलर मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगी एक्रेलिक कलर नहीं तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ये छोटी छोटी जो बॉटल है ये ट्वेंटी फाइव रुपीज़ में आपको मिल जाएगी अब रिसेंट डेट की कलर ख़रीद लीजिए हमेशा तो तो क्या होगी कलर ठीक नहीं होगी कलर जो है एकदम आपकी उससे कलर बहुत अच्छे से हो जाएगी नहीं तो क्या होगा अगर आप पुरानी रेट की कलर होगा तो वो ठीक हो जाएगी और उसके साथ आपको फिर से मीडियम मिक्स करके फिर से आपको कलर यूज़ करना पड़ेगा तो इस तरीके से आपको लिप्स भी करना है आप चाहे तो स्कीप भी कर सकते हैं जैसे कि आपको पसंद है बट मुझे लग रहा है ये करने के बाद और ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हाँ ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए इसको आपको प्रेस आई मीन I mean, रख देना है उसके बाद आपको बैक साइड पे प्रेस करना है इसके ऊपर नहीं करना है तो ये स्लीप के ऊपर भी मैं कर रही हूँ सेम तरीके से और उसके बाद अगर आपको लगता है कि वॉश करना ज़रूरी है तो ही वॉश करें और ये देखिए मैंने बॉटम पार्ट पे मैंने कर लिया है काफ़ी सारा है ये क्योंकि ये घेरा काफ़ी है तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि वॉश करना ज़रूरी है तो ही वॉश करें हाथ से वॉश करें हमेशा कोई भी माइल्ड डिटर्जेंट ईजी या फिर शैम्पू के साथ और इसके ऊपर आपको रगड़ना नहीं है तो यह देखिए यहाँ पर भी मैं सेम तरीके से ही कर रही हूँ और जैसे कि ये फ्लावर मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी टाइप की की है तो ये देखिए बात करते करते ये कंप्लीट हो गई है अब ये जो सेमी स्टिच है इसको मैं साइड से पूरा स्टिच करके मैं पहन के मैं आपको दिखाऊंगी आप कमेंट सेक्शन पे बताना आपको इस डिज़ाइन कैसी लगी और बांगली होले तो अवश्य बांग्ला कमेंट कॉमेंट करता हो जानते चाहो बोलते बाो बांग्ला सब आप प्रश्न उत्तर पे जावे और इस डिजाइन के ऊपर आपको रगड़ना नहीं है स्क्राब नहीं करना है कड़े धूप में मत सुखाइए एकदम शेडो में सुखाइए और हमेशा इसकी बैक साइड पे प्रेस करें नहीं तो इसके ऊपर कोई कपड़ा या फिर पेपर रख के उसके ऊपर प्रेस करें तो ये देखिए कंप्लीट हो गई है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव अ वेरी वेरी गुड डे टेक केयर बाय बाय सी यू सून